करैक्टर डिफेक्ट्स किस तरह के होंगे है, आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए। सब तो वड्डा जिहड़ा करैक्टर डिफेक्ट है ना वो डिनायल ही है। सब तो औखा ते सब तो ज़्यादा आइडेंटिफाई करना, क्योंकि डिनायल परमात्मा वालों बनाया एक शॉक अबजॉर्बर है जिहड़ा कि सिर्फ उदों ही काम करना चाहिए जदों के कोई झटके लगती है जां उच्ची नीवी जगह हैगी है। जदों प्लेन रोड है उदों थोड़ी ये शॉक अबजॉर्बर ने इन्ना काम करना, पर जदों इस तरह की कोई चीज़ आए तो तुहाडी डिनायल जिहड़ी आए वो डिनायल दे विचों फिर आउट आना, बाहर आना, फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी। इहदा मतलब अपनी डिनायल नूं पहचानना एक करैक्टर डिफेक्ट ते काम हो गया। फिर जो तुसीं डिनायल नूं पहचानोगे होर करैक्टर डिफेक्ट आणगे। फिर तुसीं सब तो पहला करैक्टर डिफेक्ट आएगा कि मैं झूठ बड़ा बोलदा, लाइंग इज़ माई मेजर करैक्टर डिफेक्ट। फिर मेरे च अंदर आएगा स्टीलिंग, फिर हाइडिंग, फिर सीक्रेट लाइफ, फिर हर वेले फन आफ्टर फन आफ्टर फन पैदा करन दी एक चाहत, अपने आप नूं हाई रखना, अननेसैसरी हाई रखना। इन्हां सारे करैक्टर डिफेक्ट जिहड़े आ ना तुहाडे एक एक करके सरफेस ते आंदे रहणगे। कोई जिवें मैम ने उन्हें कहा ना कि एकदम ना सोचो कि मैं सारे करैक्टर डिफेक्ट एकदम दूर कर देंगा तो मैं कोई मतलब देवता जां मतलब वो बन जूंगा। नहीं, संत महात्मा नहीं बनना आपां रोज़ जिन्ना को करैक्टर डिफेक्ट थोड़ा जिहा उपर आया उत्तों आपां अपने आप नूं आज़ाद करना। छोटा जिहा रोज़ आएगा, छोटे छोटे निक्के निक्के करैक्टर डिफेक्ट। सपोज़ करो तुसीं 100 गल्लां 100 वारी झूठ बोलते हो, तुसीं पहले दिन 24 घंटे च कर लो कि मैं अज ना 99 झूठ बोलने हैं, 99 झूठ मैं बोलने हैं, एक झूठ सिर्फ नहीं बोलना। फिर तुहानू आ जाएगा कि जिहड़ा इंपॉर्टेंट झूठ है वह मैं हले बोलांगा, जिहड़े अनइंपॉर्टेंट झूठ है जिन्हां तो बगैर मेरा गुजारा हो सकता ना वह नहीं बोलांगा। ये ना कहो मैं एको दिन च सारे झूठ छड्ड देंगा, कोई नहीं छड्ड सकता। असीं सारे अपने आप ते काम कर रहे हैं। एंड यह भी तुहानू मैं दस दें कि जिंदगी कोई इंसान यहोजा नहीं हुंदा जिन्हें 100% अपने करैक्टर डिफेक्ट ठीक कर लिया हो, इत्थों भी निराश ना हो जाना। कोई इंसान दुनिया च यहोजा नहीं है जिहदे सारे 100% करैक्टर डिफेक्ट ठीक हो गए। पर साडी पता की एक मजबूरी बन गई है, वी क्रेव फॉर थिंग्स, सानूं क्रेविंग बड़ी आती है। असीं बैठे होंने आराम नाल, कदी ना कदी खाने की क्रेविंग, कदी इंपल्सिव गुस्सा कढ़न की, पड़ास कढ़न की, बेइज्जती करन की क्रेविंग, गलतियां कढ़न की क्रेविंग, लोगों के नुक्स कढ़न की क्रेविंग, लोगों की गल ना सुन सकन की क्रेविंग, अपने आप नूं ग्रैंडियोस दिखाने की क्रेविंग कि मैं दुनिया के विलक्खण इंसान हाँ जिहदे कोल एक्सट्राऑर्डनरी पावरस है जिहड़ियां बाकी दुनिया कोल नहीं है। जे बाकी दुनिया कोई काम करती है तो वह फस रही है, पर मैं कभी यह जहाँ काम करा तो मैं जिंदगी मैं कभी फसागा नहीं, मैं कभी फटिया नहीं जावगा, मैं चो आराम ना निकल जाऊँगा। यह सारिया क्रेविंग्स ना तदियाँ पे इन क्रेविंग्स तो बंदा तंग आ जाता, एक क्रेविंग जाती दूजी आ जाती, दूजी जाती तीजी आ जाती है। वो क्रेविंग्स के पिछे कि चीज़ है, वो चीज़ यही है कि असी कभी ना कभी अपने करैक्टर डिफेक्ट्स न, क्योंकि मेरे पेशेंट्स में सब तो वड्डी प्रॉब्लम मैं यही देखी है। सर मेरे पेशेंट्स ड्रग छड़ जाते, अलकोहल छड़ जाते हैं, जिहड़े कैमिकल्स लेंदे होंदे ना वो अक्सर छड़ जाते हैं, बट एक चीज़ जिहड़ी वो कभी नहीं छड़ना चाहते जिस करके वो प्रोग्राम च नहीं आते, जिस करके वो फॉलोअप च नहीं आते, जिस करके वो हरमिटेज नूं नहीं प्यार करते, रिकवरी नूं नहीं प्यार करते, वो हैगी है क्रेविंग्स, वो हैगी करैक्टर डिफेक्ट्स। हाले कि एक बड़ी साइंस ने प्रूव करता है कि जे तुसीं अपने करैक्टर डिफेक्ट्स तो बाहर आते हो ना तो तुहानूं जिहड़े अपनी आइडेंटिटी दे नाल जिहड़ा एक आइडेंटिटी मिलती है ना, तुहानूं अपने आप ते गुरूर आ जाता है, तुहानूं अपने आप ते गुरूर आता है जिहड़ा कि मच अवेटेड तुहाडी लाइफ दे विच सर्च हुंदी है कि मैं एक इहो जिहा इंसान बणा जिहनूं अपने आप की आइडेंटिटी दे नाल तुहाडी वैल्यू सिस्टम इन्ना हाई हो जाए कि तुहानूं हर वेले अपने आप नाल रह के ना एक रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाए। पर वो रोमांस तो नहीं डिवेलप हुंदा क्योंकि साडे अंदर के करैक्टर डिफेक्ट जिहड़े आ ना वो नहीं निकलते। साढ़े मारिया सारिया के ना एक मतलब पता नहीं है कि सोच किस तरह अड़ी हुई है कि आई शुड क्विट माई ड्रग्स बट आई शुड नैवर क्विट माई करैक्टर डिफेक्ट। जिमें असी गॉसिप करनी, चुगली करनी, जोड़ा बंदा नहीं है वो बैक स्टैबिंग करनी, एक करैक्टर डिफेक्ट ही है साढ़े। फोन करके गलबात करनी, घर दिया गल् बहर करनिया, कोई ना कोई मसला पैदा करी जाना, कोई ना कोई किसी की बेजती, जोड़ा बंदा सामने नहीं है वो निखेधी करी जानी, वो नैगेटिव पॉइंट दसी जाने,
ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੇ 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 ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 99 ਬੋਲੋ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ 99 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 90 ਬੋਲਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟ ਐਟ ਦਾ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 60 ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੂੰ 60 ਝੂਠ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਮਤਲਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ 100 ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿਰਫ 60 ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਦਾਵਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ 4 ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੱਪ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਲ ਔਰ ਨਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 100 ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਿਮਟਮਸ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਿਮਟਮਸ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘੂਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੋਈ ਸਿਮਟਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਤਾਂ ਲੁਕਾਈ ਕਿਉਂ,